हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जूही अग्रवाल। आज हम आपको बताएंगे कि मैदे की मठरी कैसे बनती है। ये मैंने मैदा लिया है, अब इसमें हम अजवाइन डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ा इसको हाथों से हम रगड़ देंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा। ये मैंने मैदा लिया है, अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे थोड़ा सा, हाथों से इसको थोड़ा सा रगड़ देंगे ताकि इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। दो चम्मच हम इसमें तेल डालेंगे। अब हम इसको मिला लेंगे। ये मैंने मिला लिया है, देखिए मठरी का ऐसा होना चाहिए ताकि ये लड्डू बन जाए, तो पपड़ी बहुत खस्ता बनता है। कि मोइन अच्छा रहेगा तो मठरी अच्छी बनेगी, इसमें थोड़ा भी मोइन कम हो जाएगा तो मठरी आपकी कड़ी हो जाएगी। देखिए ऐसा होना चाहिए ताकि ये लड्डू अच्छी तरह से बन जाए। अब हम इसका डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये देखिए मैंने डो तैयार कर लिया है। थोड़ा सा इसको ऊपर से घी लगा के चिकना कर लेंगे। बहुत ज्यादा कड़ा नहीं होना चाहिए आटा, ना ही बहुत ज्यादा नरम। ये देखिए हमारा बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख के छोड़ देंगे, ढक के इसको। ये देखिए 10 मिनट हो गया है, हमारा मठरी का डो देखिए तैयार हो गया है। इसे अब थोड़ा सा मसल लेंगे। अच्छी तरह मसलने के बाद हम अपनी पपड़ी तैयार करेंगे। इसे मसलने के बाद अब हम अपनी मठरी तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने अपनी लोई काट के इसको चिकना कर लिया है, अब हम इसे बेलेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बेलेंगे, ये देखिए ना ही मैंने ज़्यादा इसे मोटी बेली है ना ही ज़्यादा पतली बेली है, इसी आकार का हम सभी मठरी अपनी बेल लेंगे। ये देखिए मैंने अपनी सभी मठरी बेल ली है। अब फोक की सहायता से हम इसको गोंद देंगे ताकि ये जो पपड़ी हमारी फूले ना रिफाइंड में डालने पे, इसको हम दोनों साइड से करेंगे। आप चाहें तो इसे चाकू से भी कर सकते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपनी सभी मठरी डाल देंगे एक एक करके। अब हम इसे उलट देंगे, हर इसे उल्टा पुल्टा करते रहेंगे ताकि ये दोनों साइड से हमारा अच्छी तरह से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए ये देखिए हमारी मठरी हल्की हल्की होनी शुरू हो गई है। ये देखिए हमारी मठरी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए मठरी हमारी बनके तैयार है, इसे हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए कितनी खस्ता करारी बनी हुई है, आप इसे चाय से भी खा सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी मठरी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।